वैसे वीडियो हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो पहले मैं सोच रहा था कि अपनी सीरीज शुरू करूं, मगर मैंने सोचा कि कुछ माइनक्राफ्ट के पहले टिकटॉक हैक ट्राई कर दिया जाए। तो पहले टिकटॉक हैक बनाने के लिए हम लोगों को ये सामानों की जरूरत है, देख लीजिए। हाँ, तो एक स्टोन, स्मूथ स्टोन, स्टिकी पिस्टन, ऑब्जर्वर फाइल, आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, ब्लॉक ऑफ स्लॉन और एक ओक वुड स्टेयर। इसको मैंने ऐसे लिया है, ओक वुड स्टेयर की आपको ज़रूरत नहीं वैसे। तो मैं पहले आपको ये करना है कि एक एक ब्लॉक छोड़ छोड़ करके सब जगह लगा दीजिए और इस ब्लॉक को आपको तोड़ देना है आपको। और फिर उसके बाद इसके ऊपर दो स्लाइम ब्लॉक ऐसे करके लगा देने हैं, एक ऐसे फिर ऐसे, और फिर उसके बाद एक ऑब्जर्वर लगाना फेसिंग ऐसा रहना चाहिए उसका, मतलब तो उसका जो रेड डॉट है वो ऊपर रहना चाहिए। फिर आपको चारों तरफ ये स्लाइम ब्लॉक लगा देने हैं। फिर स्लाइम ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पे पिस्टन रख दीजिए। फिर उसके बाद आपको ऊपर दो ये लगा देने हैं स्लाइम ब्लॉक। फिर उसके बाद नीचे जाइए, बैठ करके इसको ऐसे लगाइए, क्योंकि इसका फेसिंग जो है वो ऊपर की साइड रहे, मतलब जो रेड डॉट है वो नीचे की साइड रहे। तो ये ऐसे करके आपको चारों तरफ लगाना है। और फिर स्टिकी पिस्टन को आपको ऐसे ही करके चारों तरफ लगा देना है। मैं लगा देता हूँ, ये देखिए, ये लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया स्टिकी पिस्टन, ये उल्टा लग गया। आपको सीख नीचे ही लगाना होगा तभी आपका ये काम करेगा। फिर आपको इसके ऊपर जाना है, फिर ऊपर आप बैठ भी सकते हैं, मगर पहले आपको एक जरूरी काम करना है। 5, 4, 3, 2, 1 ओ, मैंने सोचा कि रॉकेट चला के। अब आप स्टिकर्स को यहाँ पे रख सकते हैं, आप स्टेयर्स रख सकते हैं और यहाँ पे अपना नज़ारा ले सकते हैं। ओह, मैं तो गिर गया। ऐसा करता हूँ, एक बार फिर से चलता हूँ उस रॉकेट के पास। वैसे ये रॉकेट ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगा, मगर इतना ऊपर तक जाएगा कि आपको माइनक्राफ्ट का नज़ारा दिखा सके। ये बहुत ऊपर तक जाता है। आपको ये पहले इसको कर देना है और फिर इसके बाद तुरंत ये दबा देना। अब आप बैठ चुके हैं स्टेयर के ऊपर। अब आप आराम से यहाँ से अपना माइनक्राफ्ट का व्यू ले सकते हैं, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का। ये देखिए, यहाँ पे पहाड़ हैं बड़े बड़े, यहाँ पे वहाँ पे डार्क एरिया है, वहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं, पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारा रॉकेट ऊपर जाता रहेगा। पहले हम लोग के पास इतने समय नहीं था, हम लोग चलते हैं नीचे। तो हम लोग अपना सेकेंड टिकटॉक हैक बना लेते हैं। तो सेकेंड टिकटॉक हैक बनाने के लिए हम लोगों को ये सारे सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, देख लीजिए। तो आपको पहले, आप कोई भी ब्लॉक चुन सकते हैं, आपको पहले एक रूम बना लेना है। इस रूम को बनाने के बाद इसको बना लेता हूँ मैं। रूम बना लिया मैंने। अब आपको यहाँ पे एक बेड रखना है ऐसे, यहाँ पर बेड। ओ, एक चीज में गाइस भूल गया, उसको ले लेता हूँ। ये स्मूथ स्टोन स्लैब ले लीजिएगा। आपको बेड बिछाने से पहले इसको तोड़ करके, या फिर मैं ऐसे हम भी कर सकते हैं, मगर बहुत ऐसे समय लगेगा आपको। इसको तोड़िए। आपको ये तीनों ब्लॉक तोड़ने होंगे और यहाँ पे तोड़ करके ये लगाना होगा। फिर आप इसको कवर कर दीजिए। फिर इसके बाद आप चले जाइए ऊपर। ऊपर जाने के बाद ठीक आपको इसी ब्लॉक के बीच में दो गड्ढे कर देने हैं। दो गड्ढे करने के बाद आपको जाना है फिर से पीछे जाने के बाद आपको लेके जानी है थोड़ी दूर तक रेल। फिर यहाँ पे एक रेल ट्रैक बिछा देना है आपको।
और फिर माइनक्राफ्ट को यहाँ रखना है और इसको बस धक्का दे देना है। बस ये सही से बैठ जाए आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग ये सिस्टम तोड़ देते हैं और ये वापस यहाँ से लगा देते हैं। अब चलते हैं आगे। तो देखिए हमारी रेल अच्छे से बैठ गई है। तो आपको यहाँ पे आप और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे आप इधर क्राफ्टिंग टेबल्स रख सकते हैं। क्राफ्टिंग टेबल एक यहाँ रख दीजिए और एक यहाँ रख दीजिए। आप उसके अंदर बैठेंगे स्लेट सोएंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ऐसा करना है, क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रख देना है। फिर इसके ठीक पीछे लगा देना है एक स्टिकी पिस्टन, जो मैंने पहले से ही लेकर रखा है। स्टिकी पिस्टन लेंगे, मुझे यहाँ पे पता नहीं मैं लगा क्यों नहीं पा रहा। ये ब्लॉक मुझे परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये स्टिकी पिस्टन लगा देना है। फेसिंग इसका ईस्ट साइड रहना चाहिए, इसका फेसिंग ईस्ट साइड रहेगा। आपको क्राफ्टिंग टेबल इसके ऊपर रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है इसके ऊपर। इसके ऊपर रेस्ट स्टोन डस्ट लगा देनी है। मैंने कुछ कुछ चीज़ें वैसे ली नहीं, गलती हो गई। रेस्ट स्टोन डस्ट ले लेनी है, रेस्ट स्टोन डस्ट यहाँ रखनी है। और यहाँ पे देखिए एक राइड का ऑप्शन आ रहा है, उसको अभी नहीं दबाना है। आपको यहाँ पे जाना है और एक लीवर लेना है, एक लीवर आप ध्यान से ले लीजिएगा। ओ मैंने गलत चीज ले ली। इसी ब्लॉक के अंदर आपको उस लीवर को लगाना है और इस लीवर को अगर ये यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा आगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इसको यहाँ पीछे कर देना है और यहाँ पे राइड का ऑप्शन आ जा, हाँ आ गया। अब आप यहाँ पे ये लीवर आगे कर दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको जाना है वीडियोस में आपको दिखाता हूँ थर्ड पर्सन से कि मैं सो रहा हूँ। देखिए मैं कितनी आराम से चदरा ओढ़ करके कंबल पे लेट करके सो रहा हूँ, एकदम कोई टेंशन ही नहीं, मैं आराम से सो रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया। आप इसको दबा करके बाहर निकल सकते हैं। तो फिर से अपना कैमरा ठीक कर लेते हैं, वीडियोस पे जाते हैं, फिर से फर्स्ट पर्सन कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपना लास्ट टिकटॉक के माइनक्राफ्ट के हैक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक के लिए आपको चाहिए एक ये क्या कहते हैं ये एंड पोर्टल, और फिर उसके बाद आपको एक माइनक्राफ्ट चाहिए। माइनक्राफ्ट है हमारे पास, रियल टैग चाहिए, रियल टैग भी है हमारे पास। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, और कोई सामान चाहिए होगा तो हम लोग ले ही लेंगे। हम लोग क्रिएटिव मोड में जो चाहिए उसका फ़ायदा उठाएंगे। अब मुझे यहाँ पे रखनी है एक रेल, यहाँ पे रखनी एक माइनक्राफ्ट, रखा जा। उसके बाद आपको इसको तोड़ देना है, माइनक्राफ्ट नीचे आ जाएगी, बैठ जाएगी नीचे। फिर आपको यहाँ पे लगा देने हैं कुछ ब्लॉक्स। तो बस आपको ये याद रखना चाहिए कि आपकी माइनक्राफ्ट टूट ना जाए जैसे मेरी टूट गई। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि टिकटॉक हैक चलता है कि नहीं। मैं ब्लॉक्स तोड़ क्यों रहा हूँ, मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और मुझे यहाँ पे लगा देना है, गाड़ी चाबी स्टिकी पिस्टन किधर गया हम लोग का, नहीं
नहीं तो आप चलते हैं, इतना ले हिस्सा तुम काट दे। अब यहाँ पे चलिए, आप आपको यहाँ पे लगा देनी एक स्टेयर्स, और आपको एक लेना है स्टिकी पिस्टन। स्टिकी पिस्टन लेने के बाद आपको ये लगा देना है यहाँ पे, और ले लेना है एक। सबके सब सब सामान होता है, मगर हम लोग के पास कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे ले लीजिए एक रेडस्टोन ब्लॉक, तो रेडस्टोन का ब्लॉक ले लीजिए। और ये देखिए, ये बैठ गया। नहीं नहीं नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल पिस्टन इस्तेमाल करें। मैं ये स्टिकी पिस्टन लगा रहा हूँ। आपको ये इसको पहले तोड़ना है, फिर इसको बाद में तोड़ना है। और आपकी स्टेयर बन गई है। आप इसको और डेकोरेट कर सकते हैं ट्रैप डोर के साथ, जैसे मैं कर देता हूँ अभी। रुके रहिए, आप इसको ट्रैप डोर के साथ और भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ऐसे। अब इसको ऐसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे इसको आप और भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब चलिए अपने कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं, अब राइड करते हैं। ये देखिए, मैं फिर से कुर्सी के ऊपर बैठ सका हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ कि नहीं। ये देखिए, मैं एकदम अच्छी तरह से कुर्सी के ऊपर बैठ चुका हूँ आराम से। आप ये हैक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को भी ट्रॉल करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको और माइनक्राफ्ट के टिकटॉक हैक्स चाहिए होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स लिखिए। मैं और भी माइनक्राफ्ट के नए नए टिकटॉक हैक्स लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दीजिए SK Star Gaming को, और आप तब के लिए बाय बाय।